लब पर है नात उनकी जो सैये दुलबशर है, माहे तमाम है वो और अज जी। तो सुबह बखैर मदीना मुनव्वरा से, और हम लोग जो है इस वक्त अभी हाइल अवाली में हैं, और ये देखिए यहाँ पर जो है ये बसों का अड्डा है। मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुका हूँ बहुत दफ़ा, अभी भी दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है तमाम की बसें आई हुई हैं आज। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर खड़ी हुई 3 बसेस। तो ये सारी बसेज जो है तमाम की बसें हैं, और ये जो है जोहर के बाद निकलती हैं यहाँ से। तो चलें, चलते हैं मस्जिद हराम की तरफ, चलते हैं मस्जिद नबवी की तरफ, और चल के जो है व्लॉग को शुरू करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं हूं मुसलमान जमान। सबसे पहले दुरूद सलाम, अल्लाहुम्म सल्ली व सल्लम अला सय्यदिना व नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज आप लोगों को एक और नए व्लॉग में खुश आमदीद। जी अगर आप लोगों को अलबेग से खाना हो, और जैसे कि ये मस्जिद नबवी के पास बना हुआ है, तो यहाँ पर जो है मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में दिखाया था बहुत रश था रात में। अगर आप लोगों को अलबेग खाना हो तो ये टाइम जो है बेस्ट टाइम है, ये टाइम जोहर के बाद टाइम जो है बेस्ट टाइम है। इस टाइम पे आप लोग जो है अलबेग बहुत आसानी से और कम समय में ले सकते हैं। तो ये देखें अभी हम लोग यहाँ से जो है उतरने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर रास्ता जो है टूटा टूटा रास्ता है। तो चलें, वो देखें वो जो है नज़र आ आप लोगों को बाउंड्री, वो है जनरल बकरी की बाउंड्री, और यहाँ पे अलबेग है, और उस तरफ जो है हाइल अवाली है जहाँ हमारा होटल है। तो ये देखें यहाँ अभी देखें अलबेग पे जो है बिल्कुल भी रश नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल खाली है। क्या आप लोग जो ऑर्डर कम से कम 5 से 6 मिनट में तो ऑर्डर ले सकते हैं अगर तुमको रेडी पड़ा हुआ है। तो सुबह सुबह जो हम लोग नाश्ता करने अलबेग में आए, यहाँ से हमने हल्का सा नाश्ता लिया, उनका 2 सैंडविच लिए, एक हमने उनका शोरमा लिया है, और एक हमने डबल बेक लिया, साथ में एक ऑरेंज जूस। इस तरह से हमारा नाश्ता हो जाएगा 17 रियाल का। चलें नाश्ता करते हैं और फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। देखें तो इसको खाते हैं, इस तरह से हमारा जो नाश्ता फिर पूरा हो जाएगा। ओहो अच्छा जी, तो जोहर का वक्त जो है करीब हो गया, और हम लोग जो अभी भी होटल से फ्रेश होकर निकले, तो 40 मिनट बाकी हैं अजान में। तो चलते हैं मस्जिद नबवी की तरफ और चल के जोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, और देखेंगे फिर जोहर के बाद हम लोग आज क्या करते हैं। तो अभी हम लोग होटल से अभी भी निकले, लेकिन बसें जो है तैयार हो गई हैं, क्योंकि जोहर के बाद जो है 1-1.5 बजे तक ये लोग यहाँ से निकल जाती हैं बसेस दमाम के लिए। तो डेली यहाँ से आप लोगों को बसेस जो है बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो चले मस्जिद नबवी। जी तो अभी हम लोग जो है मस्जिद नबवी पहुँच गए, और हम लोग जो हैं दाखिल हो रहे हैं गेट नंबर 365 से, क्योंकि जब भी हम लोग हाइल अवाली से आएंगे तो मस्जिद तो जनरल बकरी जो है हमारे इस तरफ होगी सीधे हाथ पे, और हम लोग दाखिल होंगे गेट नंबर 365 से। तो चले चलते हैं, चलते मस्जिद नबवी में बैठते हैं। Thanks to Allah, Ya Allah. Thanks to you, Oh Allah. You are the greatest, Oh Allah. Thanks for everything. I'm celebrating this beautiful day. Hey, dekhiye bhaijaan, masabi ke molde nahi hai. You have chosen us for this beautiful day. I'm really thankful to you for a wonderful day. I can see a smile on every face. MashaAllah, today is Eid al-Fitr. MashaAllah, today is Eid al-Fitr. MashaAllah, today is the best. I woke up early for Fajr prayer to get myself ready for
जी तभी अभी हम लोग जो है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के निकले हैं और ये देखिए यहाँ पर जो आप लोग लोग नज़र आ रहे हैं, लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर इतने सारे, ये लोग जो है रियाज़ुल जन्नत के लिए जा रहे हैं। और रियाज़ुल जन्नत का जो है वो टाइमिंग्स है तो आप लोगों को पता चल जाता है, रबी उल अव्वल का महीना आ गया तो बहुत सारे लोग जो है वो आएँगे, अभी आना शुरू करेंगे। तो रियाज़ुल जन्नत के लिए जो है आप लोगों को परमिट लेना लाजमी ज़रूरी है, वरना आप लोगों को जो है वो अंदर जाने नहीं देंगे, क्योंकि परमिट है तो आप लोग रियाज़ुल जन्नत जा सकते हैं, मरा तो नहीं। अच्छा जी, तो बात करते हैं रियाज़ुल जन्नत की टाइमिंग्स के बारे में। तो रियाज़ुल जन्नत की टाइमिंग जो है लेडीज़ के लिए वो है रात इशा के बाद से 2 बजे तक, और फिर उसके बाद उनके टाइमिंग है फजर के बाद से लेके 10 बजे तक। तो ये टाइमिंग जो है लेडीज़ के लिए है, और जेंट्स का जो टाइमिंग है वो ये है रात 2:30 बजे से, यानी रात 2:30 बजे से लेके फजर तक टाइमिंग है वो जेंट्स के। उसके बाद जोहर के बाद से यानी 10:30 से, यानी जोहर से पहले 10:30 से लेके 10:30 से लेके इशा तक जो टाइम है वो है जेंट्स का। तो ये आप लोगों को बताना था ताकि आप लोग जो है अभी उम्रा का सीज़न शुरू है तो आप लोग आएँगे तो आप लोगों को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। ये वो देखिए जो आप लोगों को ग्रीन मीनार नज़र आ रहा है, और ये ग्रीन गुम्बद नज़र आ रहा है और वाइट मीनार नज़र आ रहा है, ये मस्जिद बिलाल है। और यहाँ पर जो है इसके साथ जो है वो सूख तबाहा बना हुआ है जहाँ से आप लोग खाना खाते थे। मैंने आप लोगों को ब्लॉग में करीब बहुत दफ़ा दिखाया है, तो आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह का खाना आप लोगों को मिल सकता है। ज़्यादातर तौर पर वहाँ पर आप लोगों को यमनी खाना मिलेगा, या फिर सऊदी कहते हैं शाबी खाना, शाबी यानी कहते हैं इनके जो ट्रेडिशनल खाने वो आप लोगों को यहाँ से मिलेंगे। इसमें मंदी है, शवाया है और दूसरे जो हैं उनके खाने हैं, सब आप लोगों को यहाँ पे आराम से मिलेंगे। अलबत्त कि आपको यहाँ पे बुखारी भी मिलेगा जो सऊदी अरब में जो है बहुत ही फेमस राइस है। तो चलें चलते हैं होटल की तरफ। जी तो भाजी ये देखिए ना, बसेस जो है निकलने के लिए तैयार हैं। 1:30 बजे तक बसेज यहाँ से सारी बसेज निकल जाती हैं। तो यहाँ पर देखें जिस तरह जैसे कहते हैं लोग आ जाएंगे बसों में, यानी पैसेंजर आ जाएंगे, उसके हिसाब से जो ये बस फिर चलना शुरू करेगी। ये सारी बसेस दमाम की बसेस हैं। 2 hours later ये तो इशा के असर की नमाज़ के लिए बस नबी पहुँचे हैं। तो हम लोग जो है असर में जब आते हैं तो होटल दूर है, ऐसे खातर जो हम लोग असर में जब आते हैं तो हम लोग इशा के बाद वापस जाते हैं होटल। तो अभी चलते हैं मस्जिद नबी और चल के असर की नमाज़ पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे कि आज हम लोग क्या करते हैं।
जी तो अभी जो है हम लोग मस्जिद नबवी से निकले हैं असर के बाद, और हम लोग जो है इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आगे मस्जिद का मामा है, तो हम लोग जो है इधर ही जाएंगे आगे। तो आइए चलते हैं आगे और एक चक्कर लगाते हैं आगे का, और आप लोगों को भी जो है आगे की थोड़ी बहुत सैर कराते हैं, और देखते हैं कि आगे जो कुबा फ्रंट का रास्ता जो बंद किया था वहाँ पर अभी कहते हैं क्या सूरत हाल है, क्या काम चल रहा है, तो सब इंशाल्लाह अपने साथ शेयर करेंगे। ये अगर आप लोगों की जो है व्हील चेयर्स जो है वो ख़राब हो जाए, यानी उसको कहते हैं कोई मरम्मत की ज़रूरत हो, तो यहाँ पे देखिए जो मारज बना हुआ है एग्जीबिशन हॉल बना हुआ है प्रॉफिट मॉस का, इसके पास जो यहाँ गाड़ियाँ आती हैं जो आपकी व्हील चेयर जो है बिल्कुल मुफ्त में सही कर देती हैं। तो अल्लाह ताला उनको जो खैर देखिए, यहाँ पर हाजियों की जो व्हील चेयर ख़राब होती हैं वो बिल्कुल मुफ्त में ठीक कर देते हैं। देखिए ये मस्जिद अल-हमामा है, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा बताया अपने व्लॉग्स में कि ये वो मस्जिद है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सात सिस्का पर आई थी बारिश की खातिर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपनी ज़िंदगी के आखिरी दो साल जो हैं वो यहाँ पर ईद की नमाज़ भी पढ़ी है, जिसको कहते हैं मसल्ला भी कहा जाता है, यानी कि ईदगाह, और इसको जो है ईदगाह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी दो साल में ईद की नमाज़ पढ़ी थी। हम लोगों ने जाना है यहाँ से, और ये रास्ता जो जा रहा है दरब सुन्ना की तरफ, और यहाँ पे जो है ये कहते हैं गाड़ियाँ हैं कार्ट्स गोल्फ कार्ट्स हैं जो कि आप लोगों को 10 सैल के अंदर मस्जिद कुबा ले जाती है बहुत आसानी में। तो ये देखिए ना भाई जान, यहाँ पर जो है ये नया होटल बना है रोजाना, और इसके साथ ऑपोजिट यहाँ पर जो है ये कास्टल होटल, ये भी बिल्कुल नया बना है, जब ये होटल बिल्कुल नए खुले हैं तो इनके भी रेट जो है वो थोड़े हाई अभी होंगे, वैसे तो इनके भी रेट कहते हैं नॉर्मल प्राइस में होंगे, मगर कुछ टाइम बाद इनके रेट्स हाई हो जाएंगे, क्योंकि जैसे कहते हैं पीक टाइम शुरू होगा, रमज़ान का महीना आएगा, अभी रमज़ान में 6 महीने हैं और अभी लोगों के बाद उम्रा वीज़ा खुल गए हैं अभी, तो ऐसा ऐसा जैसे हाजी लोग ज़्यादा हो जाएंगे उसी तरह इसका रेट जो है वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर कूपा फ्रंट हुआ करता था जो ख़त्म कर दिया गया था, आप लोगों को मैंने पहले बताया हुआ था, तो अभी देखिए यहाँ पर जो तोड़ फोड़ शुरू है, और यहाँ पर देखें जो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट चल रहा है इनका वो काम शुरू हो चुका है। Prayer followed all sunnah aspects as a prophet Muhammad peace be upon him have followed. Alhamdulillah, I'm ready for Eid prayer. Oh Allah. Thanks to Allah, Ya Allah. मैंने चाय खजूरें और गावा जो है माना जाता है। यहाँ पर जो है माशा तबारक अल्लाह लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होते जाते हैं, और अल्लाह ताला इन लोगों को जज़ाए खैर दे कि यहाँ पर जो है मुफ्त की चाय कहवा और खजूरें वगैरह जो है दुआरों को बांटते हैं। जी तो अभी जो है हम लोग वापस जा रहे हैं मस्जिद नबवी की तरफ, ये अजान में घंटा बाकी है, तो चलते हैं मस्जिद नबवी तरफ। और वैसे आज जुम्मा है, सॉरी आज जुमेरात है, तो आज जो है मस्जिद नबवी में इफ्तार रहेगी, तो इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह आप साथ व्लॉग में शेयर करेंगे, लाजमी है। तो चलें चलते हैं मस्जिद नबवी की तरफ। कल से आए हुए हैं हम लोग, और हम लोग तो सलाम अर्ज करने नहीं गए, तो आइए चलते हैं, चल के सलाम अर्ज करते हैं, और आप लोगों को भी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद करवाते हैं। Thanks to you, oh Allah, you are the greatest, oh Allah, thanks for everything. Now I'm walking towards the beautiful place on this whole universe. That is Makkah, that is Masjidul Haram.
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ओ अल्लाह। ये देखे ना मतलब ये जो छतरी है इस पर जो है बंद हो रही है, तो ये भी एक खूबसूरत सा मंजर था आप लोगों को दिखाना था लाजमी। देखें ये ऐसा ऐसा जो है ये सब बंद है, इस तरफ भी और उस तरफ भी, और ये रास्ता सलाम का रोज़ा मुबारक। Thanks to Allah, Ya Allah, thanks to you, Oh Allah, you are the greatest, Oh Allah. ये तो इफ्तारी आप लोगों को दिखा देते हमारे साथ, यहाँ पे खजूर है, रोटी है, दही है, दूध है और चाय है। Minutes later. अच्छा जी, तो ईशा की नमाज पढ़कर अभी जो हम लोग निकल रहे हैं बाब साउथ से, किंग साउथ रोड से, तो चले। Thanks for everything. I'm celebrating this beautiful day. Oh Allah, you have chosen us for this beautiful day. Oh Allah, I'm really thankful to you for a wonderful day. Oh Allah. अच्छा जी, तो अभी जो हम लोग खाना खाने हम लोग आए हैं शवाया बलदी में, तो अभी हमने वहाँ पे ऑर्डर कर दिया है और वेट कर रहे हैं, चलिए यहाँ पे खाते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारा तलब यहाँ आ गया है, देखें तो यहाँ वापस है बस अल्फाम है और बस सदर है, और साथ में यहाँ पे जो है हमारे पास मंटू है। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे जो है बस अल्फाम है, लुजम शक्ल हमारे पास है राइट और रेड, साथ में बस सदर है, मंटू है, और यहाँ पे तीन तरह की सॉस है। तो चलिए आप लोगों को जो है एक निवाल के दिखा देते हैं। यहाँ से हम लेते हैं थोड़ी सी बोटी अल्फाम की, यहाँ से हमने चावल लिए, इसमें हमने ये चटनी डाली, साथ में हमने इसके ऊपर दहिया डाला, साथ में दकूस, इसको भी मज़ेदार समय बड़ा खाएंगे यहाँ से। Can see smile on every face, mashallah, today is Eid al-Fitr, mashallah, today is Eid al-Fitr, mashallah.